और आज तकरीबन जो हिसाब करने वाले सर्वे किया लोगों ने, जो मुसलमान सर्वे करते हैं कि कितनी जकात हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है उनकी इकट्ठी होती है, देते हैं लोगों को, तो उसमें जो है एक कम से कम लिया उसके अंदर तो 25,000 करोड़ रुपए मुसलमान की जकात इंडिया के अंदर निकलती है, कम से कम ही, ज़्यादा तो ज़्यादा होगी। तो ये इसके बारे में कि ये 25,000 करोड़ अगर हर साल निकल रही है तो हमारे पास तो गरीब होने ही नहीं चाहिए था। अगर 1 करोड़ लोगों को 25,000 रुपए हर साल दिए जाएं, तब जाके 25,000 करोड़ रुपए होंगे। 1 करोड़ लोगों को आप दे दें, 25,000 रुपए पाते आएंगे उस। तो एक बार हमने ली इतनी जकात, अगर सिस्टम से इसको चला जाता, एक बार ली 1 करोड़ लोगों को हमने दे दिया 25,000 रुपए, उनके जो है कुछ काम करवा दिया, उनका कुछ ठेला लगवा दिया, किसी को छोटी मोटी दुकान खुलवा दी, किसी को कपड़े के दे दिया, गट्ठर के जाओ बेचो, ये कर दिया हमने। उस ये करते तो फिर ये कि वो फिर इतना ये होता कि एक साल में उसके अंदर से कम ज़्यादा नहीं माने तो 75% लोग उसके अंदर से, बाकी 25 तो मान लो कि डूब गए होंगे, उनसे जो है चला ही नहीं काम धंधा, कभी किया नहीं, वो कर भी नहीं पाए, और किसी बीमार हो गया, जो भी हो गया, उसको छोड़ दिया, वो चले गए, या फिर आधे जो है हमारे चले गए और आधे सेट हो गए, तो आधे तो गए हमारे, 50 लाख ही बचे हमारे पास सब। 1 करोड़ अगर गरीब थे और हमने एक साथ 25,000 रुपये दिया, 50% का लॉस हो गया, सब उन्होंने जो है ख़त्म कर दिया, 25,000 रुपये उन्होंने नहीं चलाया, आधे ने तो चलाया, आधे ने अपनी ज़िंदगी सेट कर ली, 50 लाख लोग सेफ हो गए, वो उनके ऊपर उनको ज़रूरत नहीं जगह लेने की। तो अब ये जो बचे हुए बच गए, तो इनको फिर अगले साल वापस इतनी जगह आ रही वो फिर देंगे, तो अब इन 50 लाख लोग को 50,000 दे सकते हैं, फिर इसमें से भी कुछ हो जाएगा कि आधे लोग वे भी कर जाएंगे, इसमें से 25 लाख लोग सही कर जाएंगे, वो बाकी डुबा देंगे, फिर इसमें से भी बचेंगे वापस अगले साल, तीसरे साल के अंदर ये कितने बच रहे हैं, अब इनके पास में 1-1 लाख रुपये दे सकते हैं इनको। तो ये अगर चैनल से होता तो फिर हम कहाँ से कहाँ होते, हमको किसी का मुँह देखना पड़ता जो सबसे नीचे कैटेगरी में हमारा नाम लिखाया जा रहा है कि दलित से, और उनसे भी इनकी हालत ख़राब हो रही, गुर्बती हो रही। तो ये हमारे पास में सिस्टम नहीं बना। और दूसरा ये हुआ कि अगर ये सिस्टम से होता तो जो अल्लाह के रसूल सल्लम के दौर में हुआ था, 7 साल के अंदर ख़त्म हो गए थे, जकात लेने वाला नहीं बचा। आज भी अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो 7-8 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर भी कोई मुसलमान नहीं बचेगा जिसको जकात की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने करके बताया इसको। लेकिन ये भी हो रहा है कि हमारी जकात फिर जा कर रही है तो सही, इतनी जा कर रही, हमारी जकात का सबसे ज़्यादा 70% हिस्सा मदरसों में इस्तेमाल हो रहा है, और मुसलमानों के जितने बच्चे उसमें से 3% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं सिर्फ, उनके नाम पर 75% जकात का हिस्सा मदरसे में लगता है, जो मुसलमान 3% बच्चों में से 3% पढ़ते हैं मदरसों के अंदर, वहाँ लग रहा है। तो अब ये उनकी नीयत क्या है अल्लाह वालों, लेकिन ये है कि अब उसके अंदर से जो 10% जो लोग हैं, 10% जो लोग वो खुद देना पसंद करते हैं, वो देते नहीं किसी इदारे इदारे, खुद देते कि हम खुद हमारे हाथ से देंगे। अब वो किस वजह से देते, नाम हो या फला हो, लोग जाने वो जकाती है खेराती है, वो अल्लाह वालम उसकी नीयत हो वो जाने। 20% लोग जो इदारों में जाती है, जो मुख्तलिफ इदारे खुले हुए हैं, ये कुछ हद तक काम करते हैं, ये कुछ हद तक गरीबों तक पहुँचाते हैं, लेकिन 20% हिस्सा जा रहा है, उनके पास भी अखराजात रहते हैं, तो उनका और फिर गरीबत का बहुत मुश्किल से वो कर पाते हैं, कुछ ये काम उसके अंदर कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुसलमान खर्च करते हैं वो फिर उसके बाद भी तो और खर्चते हैं, तो फिर जो देना लाजमी हिस्सा है, इसके बाद भी तो लोग खर्च करते हैं एक्स्ट्रा, जो हदीसों में आता है कि जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए तो उस पर लानत भेजी गई, बल्कि वो तो मुसलमान ही नहीं, 3-3 बार अल्लाह के रसूल ने दोहराया, तो फिर वो उसको भी देता है जकात देने के बाद में भी कि भाई इसको भी दूँ भूखा नहीं रह जाए। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें अलग से भी करता है और एक्स्ट्रा भी निकलता है, वो तो खैर वो अलग चीज़ है। तो जकात का सही इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रहा, तो मुसलमान के अंदर ये गरीबी हम देख रहे हैं कि हो रही है। तो ये मुसलमान यहाँ गरीब था नहीं, ये गरीब बनाया गया, ये गरीब बना है। तो मदरसे के अंदर ये होता है, ये पहले होता था और अभी भी कई मदरसों के अंदर होता है, इसको कहा जाता है कि मदरसे के अंदर, वो मैंने आपको बताया ना वो 4 कैटेगरी जो है जिसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मालिक बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जिसके अंदर मालिक बनाना पड़ेगा हम, तो वो मालिक बना रहे तो उसके अंदर वहाँ पर उसको बोलते हैं कि तमलीक करना, तमलीक करते हैं उसको। तमलीक करना क्या कि वहाँ पर वो माल लेकर आते हैं, जैसे कार इकट्ठे करने वाले कार को इकट्ठा करके लेके आ गए,
अब वहाँ पे क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली मदरसे के फंड तो है ही नहीं, कुरान में तो आया ही नहीं, वो क्या 8 फंड के अंदर मदरसा भी है, तो क्या करते हैं कि गरीब बच्चा है मदरसे का, उस बच्चे को बोलते हैं बच्चों के नाम से कि भाई 10 लाख रुपये इस बार जकात आई, सब बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारी है, और उसको बोलते हैं तमलीक करना, सब बच्चों को बोल देते हैं तुम्हारी ये जकात 10 लाख रुपये तुम्हारे आ गए हैं, अब तुम एक काम करो हमको दे दो, इसको बोलते तमलीक करना। तो बच्चे कह देते हाँ उस्ताद हमने आपको दी, तो बोला अब हम इस पर खर्च करेंगे, मदरसा भी चलाएंगे और हमारी तनख्वाह भी निकलेगी और इन बच्चों को भी खिलाए पिलाए इसमें से होगी। ये बोले अब ये जकात इन तक पहुँच गई थी, इन्होंने खुशी से हमको दे दी। ये सिस्टम हमारे मदरसों के अंदर चलता है, यहाँ पर ऐसे चलता है। फिर ये तो हो ही रहा है, उसके अलावा फिर ये भी है कि चंदा करने वाले का परसेंटेज जो 20-30-50% तक है वहाँ तक भी होता है। तो इसके लिए फिर इसके लिए इस किताबें लिखी गई हिला शरिया, उसमें बताया गया कि देखो ये इसमें कोई ये शरी बात है, इसके अंदर कोई कबात नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। उसमें बहुत सारे तरीके बताएँ कि किस तरह से जकात बचा अब बताएँ बचा सकते हैं उसके अंदर। तो हिला शरिया किताबें भी हो रही, अब जो है अब कुछ मदरसों ने ये कर दिया कि अब इस पर जो सवाल उठ रहे हैं बार बार, लोग मुख्तलिफ आवाज़ उठाते रहते हैं भाई मदरसे में ही नहीं आप इतनी इतनी जकात वहाँ पर लगा रहे, तो उन्होंने कह दिया अब इसको एक मद और बचा था उसके अंदर फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के राह में खर्च, तब वो सब हटा दिया उन्होंने, बोले ये सब अल्लाह के राह में काम, दीन का काम नहीं कर रहे क्या, दीन के लिए ही लगे हुए, तो अब ये जो भी आ रहा है सब हमारा है, वो बच्चों को भी खिलाएंगे पढ़ाएंगे तालीमात उनकी करेंगे सब ये अल्लाह की राह के अंदर ही है सर। ये करप्शन है, बहुत बड़ा करप्शन है, इस्लाम के अंदर करप्शन फैलाया हुआ है जो इतना पैसा उसके अंदर लग रहा है। और फी सबीलिल्लाह, और अक्सर जो है मुफस्सरीन ने फी सबीलिल्लाह जो ये कुरान की आयत है इसके ताल्लुक से उन्होंने लिखा कि फी सबीलिल्लाह यानी कि इसका ताल्लुक जिहाद से है, ये वाला जिहाद वाला है, उसके अंदर कोई होगा तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा फी सबीलिल्लाह जिहाद, वो कहा है अक्सर मुफस्सरीन ने, उसमें ये नहीं कहा कि ये जो है तुम मदरसे के अंदर बैठो और यहाँ इधर यहाँ बैठ के अपने इस्तेमाल कर लो पूरा, ये उसके लिए नहीं कहा गया। अब मसला है कि 70% जकात का पैसा 3% मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे के अंदर से मुसलमानों में से 3% नहीं, बच्चों के अंदर से 3% बच्चे मदरसे में पढ़ते उनके अंदर लगता है 70% जकात का पैसा। अब ये सुधार हो तो उसके बाद इसके अंचल वो ठीक है, 3% में ही लग रहा है, 70% लग रहा है, अब बदलाव तो यार है कि 25,000 करोड़ रुपये मिल रहा है, 70% कितना हो रहा है, कम से कम 18,000 करोड़ रुपए इस्तेमाल सिर्फ हमारा मदरसे में हो रहा है। तो कम से कम ये तो होता है कि ये जो बच्चे 3% इनकी ज़िंदगी संवर जाती है, ये तो कम से कम सुधरे हुए होते, इनके पास तो होना चाहिए था अच्छे कपड़े घर मकान गाड़ियाँ, इनके पास तो होना था, इनकी भी ज़िंदगी नहीं सुधरी, ये बच्चे वहाँ से निकल रहे आलिम बनकर, ये बच्चे वहाँ से निकल रहे हाफिज बनकर, तो उसके बाद ये दर दर भटक रहे मस्जिद मस्जिद जा रहे कि मुझे रख लो, मैं अभी फारिग होकर निकला हूँ मुझे रख लो, मैं इतने में कर लूँगा, मैं इतने में कर लूँगा, इतने कम के अंदर मेरे पास कई बार फ़ोन आते, मुझे लोग फ़ोन करते कि आप जो आप जाते रहते हैं इधर उधर सब दूर कई कई मस्जिदों के अंदर आप जाते हैं, तो हमको जो है तरावी के लिए रखवा दो, ये हमारा बच्चा जो है अभी आलिमियत करके निकला है तो इसको आप जो है कहीं पर रखवा दो। तो ये हमारी हालतें कि फिर हम उनके लिए भी रोज़गार पैदा नहीं कर पा रहे, जब इतना सारा पैसा हम इसके मदरसों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो उनकी भी ज़िंदगी नहीं सुधर रही, तो ये भी गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि फिर ये इतना पैसा लेने के वहाँ लगने के बाद में भी क्या हो रहा है। तो ये एक ऐसा सिस्टम सेंट्रल निज़ाम बनाने की हमको ज़रूरत है कि एक ऐसा सिस्टम बने, फिर जाके इसमें सुधार हो सकता है, उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो वक्त नहीं लगेगा कि हमारे हालात को सुधरने में, मुसलमानों के जो है गुर्बत ख़त्म होने में, सही सिस्टम जिसको बनाया जाए।